दोस्तों जब भी हम लोग मार्केट में एक टीवी लेने की सोचते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन काफी ज्यादा क्रिएट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ ऑप्शन काफी ज्यादा अवेलेबल है। तो माइंड में एक चीज बना हुआ रहता है कि हम जो टीवी ले रहे हैं वो सबसे बेहतरीन है या नहीं है, या तो फिर हमें कौन सा टीवी लेना चाहिए 2024 में 10K से लेकर 30K के बीच में सबसे बेहतरीन टीवी कौन सा हो, जिसमें आप सब लोग सॉफ्टवेयर भी इशू ना हो, जो इसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो, जो कि ऑलराउंडर ओवरऑल हर एक चीज में, हर एक प्राइस सेगमेंट से लेके पिक्चर क्वालिटी से लेके रिजोल्यूशन से लेके कस्टमर सपोर्ट से लेके हर एक फील्ड में सबसे बेहतरीन टीवी हो। तो आज के इस वीडियो में आप क्लियर हो जाओगे 10,000 से लेके 30,000 के बीच में सबसे बेहतरीन टीवी कौन सा है एंड आपको कौन सा टीवी लेना चाहिए 2024 में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले काफी ज्यादा क्रेजी चीज है, जब भी आप लोग नेक्स्ट टाइम ऑनलाइन शॉपिंग करो, कुछ भी प्रोडक्ट बाय करो, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, पीसी पार्ट्स हो गए, कुछ भी अगर आप लोग प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय करते हो, ये अपना बाहर का क्रोम एक्सटेंशन। इसका फायदा क्या होता है दोस्तों, आप लोग मान के चलो ये टीवी बाय करो, इसमें आप सभी इसकी प्राइस ग्राफ दिखाते, इसकी लो प्राइस कब गई थी, हाई प्राइस कब गई थी, प्रिडिक्शन भी मिलता है इसकी प्राइस आने वाले समय में कब कम हो सकती है। तो इसमें आप सभी को सारे फीचर देखने को मिलते हैं, सबसे बेस्ट कूपन एंड सबसे बेस्ट ऑफर आप सभी को देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करो, कुछ भी बाय करो, इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल जरूर से करना ताकि आप लोग यहां पे बेहतरीन डील को ग्रैब कर पाओ। अब देखिए दोस्तों, इस लिस्ट का जो हमारा पहला टीवी वो हमारा Realme का Neo टीवी 32 इंच का HD वेरिएंट। अब दोस्तों सबसे कम से कम बजट में अगर आप एक टीवी लेने की सोच रहे हो जो कि हर एक फील्ड में, हर एक सेगमेंट में सबसे बेहतरीन टीवी हो, देन Realme का ये Neo वाला टीवी सबसे जबरदस्त डील आपके लिए बिल्कुल रहेगा। इसके अंदर वो सारे फीचर आप सभी को मिलते हैं जो कि एक नॉर्मल एक हाई एंड टीवी में आते हैं। तो अगर आपको चाहिए सबसे कम बजट में एक अच्छा टीवी, इस टीवी को मिस बिल्कुल से मत करना। इसकी जो प्राइस है दोस्तों, इट विल कॉस्ट यू अराउंड जस्ट ओनली 10K, कार्डबोर्ड लगाओगे तो आपको ये 8 तक का भी मिल जाएगा। अब देखिए लिस्ट का जो हमारा दूसरा टीवी वो हमारा सेम Realme का टीवी, बट यहां पे जो इंपॉर्टेंट वाली बात ये दोस्तों, ये अपना HD वेरिएंट, बट जो हमारा ये 40 इंच वाला टीवी है, ये इसमें आप सभी को फुल HD रेजोल्यूशन मिलता है। इसमें बेनिफिट वाली बात ये है, साइज इसमें आप सभी को काफी ज्यादा बड़ा मिलता है और यहां पे जो रेजोल्यूशन है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छा है। बट यहां पे भी हमारे पास दो ऑप्शन है, एक 40 इंच वाला और दूसरा है हमारा 43 इंच वाला। अगर आप लोग 40 इंच वाला टीवी लेते हो दोस्तों, इट विल कॉस्ट यू अराउंड जस्ट ओनली 15K कार्ड के साथ, बट यहीं पे अगर आप थोड़े से पैसे और लगाते हो तो आप 43 इंच वाला टीवी ले सकते हो, इट विल कॉस्ट यू अराउंड जस्ट ओनली 18K। तो यहां पे क्लियर कंक्लूजन ये है, कम से कम बजट में चाहिए आप 32 इंच वाला ले सकते हो, और यहां पे अगर आप थोड़ा सा और लगा सकते हो देन डेफिनेटली 43 इंच वाला आप सभी को काफी ज्यादा अच्छी डील जरूर से रहेगा। द लास्ट बट द नॉट लीस्ट जो कि मेरा पर्सनल काफी ज्यादा फेवरेट है, वो अपना Realme का 50 इंच का 4K टीवी। दोस्तों अगर आप 2024 में एक सबसे बेहतरीन टीवी लेने की सोच रहे हो जो कि साइज में भी बहुत ज्यादा बड़ा हो, जिसकी पिक्चर क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छा हो, जिसका इंटरफेस या तो फिर आप लोग बोल सकते हो यूजर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा आप सभी को बेहतरीन देखने को मिले, देन दोस्तों ये जो अपना Realme का 50 इंच का 4K टीवी मिल रहा है, और प्लस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात ये, जिस प्राइस रेंज में अभी आप सभी को देखने को मिल रहा है वो काफी ज्यादा क्लियर डील है। दिस टीवी विल कॉस्ट यू अराउंड जस्ट ओनली 25K कार्ड के साथ, विदाउट कार्ड लोगे तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 27K। बट यहाँ पे मेन एंड क्लियर कंक्लूजन ये है, अगर आपको 30K में एक सबसे बेहतरीन टीवी चाहिए, सबसे अच्छा डील चाहिए, सबसे अच्छा पिक्चर क्वालिटी के साथ, सबसे अच्छा एक यूजर एक्सपीरियंस के साथ, देन इस वाले टीवी को मिस बिल्कुल से मत करना। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके उसे लाल से ग्रे कर दो, एंड मिलते हैं गाइस इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।